मोनालिसा को दुनिया की सबसे खास और प्रसिद्ध पेंटिंग माना जाता है। ये पेंटिंग मशहूर होने के साथ साथ रहस्यों से भी भरी हुई है। आज से लगभग 500 साल पहले इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ये पेंटिंग लिसा गेरार्दिनी की थी, जो एक रेशमी कपड़ा व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। कहते हैं कि ये तस्वीर फ्रांसिस्को ने अपने नए घर और अपने बेटे एंड्रिया के जन्म की खुशी में बनवाई थी। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था और इसे पूरा करने में उन्हें कई साल लगे थे। कई लोग बताते हैं कि फ्रांसिस्को एक गरीब व्यापारी था, लेकिन वो ख्वाब बहुत ऊंचे रखता था। वो अपने नए घर की खुशी में अपनी पत्नी की पेंटिंग बनवाना चाहता था। उसने अपने शौक के चलते पेंटिंग तो बनवा ली, लेकिन कभी भी उस पेंटिंग की फीस नहीं चुका पाया, इसलिए विंची ने इस पेंटिंग को फिनिशिंग टच नहीं दिया। विंची ने शुरुआत में इस पेंटिंग का नाम ला जियोकोंडो रखा था, लेकिन हालात और समय के साथ साथ इस पेंटिंग का नाम बदलकर मोनालिसा हो गया। सन 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने विंची को फ्रांस आने के लिए इनवाइट किया था। विंची इटली से फ्रांस चले गए और मोनालिसा की पेंटिंग को भी अपने साथ ले गए। विंची ने अपने आखिरी 3 साल फ्रांस में गुजारे थे। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और इसे कम्प्लीट 1519 में कर पाए थे। इस पूरी पेंटिंग में सबसे ज्यादा रहस्यमयी मोनालिसा की मुस्कान को माना जाता है, जो हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान हर अलग अलग कोने से देखने पर अलग अलग एंगल्स में दिखाई देती है। कभी मोनालिसा हंसती हुई तो कभी उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। कहते हैं कि इस पेंटिंग को देखकर कई लोग मोनालिसा के दीवाने हो गई थी। सन 1852 में एक आदमी ने पेरिस की होटल की छत से कूद कर जान दे दी थी, क्योंकि वो मोनालिसा के चेहरे की मुस्कान के पीछे पागल था। मोनालिसा की मुस्कान का असर ऐसा था कि लोग म्यूजियम में जाकर पेंटिंग के आगे लेटर्स छोड़कर जाते थे। कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को सुरक्षित रखने के लिए फ्रांस के अलग अलग गांव में इस पेंटिंग को छुपा दिया गया था, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ ना लगे। इस पेंटिंग को लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। एक बार टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से इसके हाथों के पास एक स्क्रैच आ गया था। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड भी फेंका था। ऐसी ही इस पेंटिंग के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई थी। ये 500 साल पुरानी पेंटिंग पेरिस के लूवर म्यूजियम में रखी गई है और आज भी लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इस पेंटिंग की कीमत $860 मिलियन है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।